एवरी वन दिस इज पल्लवी वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस एज द टाइटल सजेस्ट इट्स अमेजोन हॉल एंड यू कैन कॉल इट अमेजोन ट्राई ऑन हॉल ऑल्सो बिकॉज इस बार जो मैंने अमेजोन से चीज़ें मंगवाई हैं वो सारी चीज़ें मैंने मंगवाई भी पहली बार हैं और मैं उन्हें यूज़ भी पहली बार करने वाली हूँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट इट सो फर्स्ट ऑफ ऑल सो सॉरी गाइज बिकॉज मैंने सारी पैकिंग खोल ली है इस बार बिकॉज मुझे ख़ुद को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था और मैं वेट नहीं कर सकती थी तो मैंने सब कुछ ओपन करके ले खोल लिया लेकिन जो इनर पैकिंग्स हैं वो मैंने ओपन नहीं की है वो हम साथ में ओपन करेंगे तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो है ये कैफाइन का स्क्रब है कॉफ़ी बॉडी स्क्रब और इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे अमेजोन पर भी तो इसलिए मैंने इसको मंगवाया है और इसका जो ये स्पून है ये भी इसका एक अलग अट्रैक्शन है अपना और अब मैं इसको ओपन करके देखती हूँ प्योर कॉफ़ी वाला स्मेल है मतलब यू कैन ईट इट यार ये इस तरह से पूरा प्रोडक्ट है और मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ सो लेट्स सी ये कैसा होता है और इसका जो रेट है वो फ़ोर फोर्टी नाइन दिया हुआ है मुझे मिला है फ़ोर ट्वेंटी फ़ाइव में बिकॉज़ नाइका पे ये सेम रेट में मिल रहा था और अमेज़ोन पे मुझे सस्ता मिला है सेकेंड चीज़ ये भी मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई करने वाली हूँ वो है ये पोन्स फेशियल किट एक है वाइटमिन ब्राइटनिंग फेशियल किट और एक है चारकोल एंटी पोल्यूशन फेशियल किट अगर आपने यूज़ किए हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इनके रिजल्ट कैसे हैं और ये कुछ सिक्स स्टेप्स में है सेम है दोनों में और ये मुझे वन फिफ्टी वन फिफ्टी में मिले थे बिकॉज़ कुछ लाइटनिंग डील चल रही थी उस वक्त और तब मैंने इनको ले लिया था इनका एक्चुअल जो प्राइस है वो है थ्री हंड्रेड रुपीज़ सो इट्स अगेन अ वेरी गुड डील क्योंकि मुझे हाफ प्राइस में मिले हैं नेक्स्ट जो चीज़ है इसको लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज इट्स अ इंडियन हीलिंग क्ले और इसके ऊपर लिखा हुआ है वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल फेशियल और इसी सेम प्रोडक्ट की सेम क्वांटिटी में जब मैंने नायका पर चेक किया था तो रेट वाज़ अबाउट फोर्टीन हंड्रेड और समथिंग एंड या फोर्टीन हंड्रेड फोर्टी जिसके ऊपर भी प्रिंट रेट है सेम प्रिंट रेट मुझे नायका पे मिल रहा था एंड व्हेन आई फाउंड ऑन अमेजोन आई गोट इन इन एट हंड्रेड और समथिंग सो माय गॉड हाफ ऑफ द प्राइज देट्स वाई परचेज और इसके रिव्यूज़ अच्छे थे मतलब काफ़ी सुना है मैंने इसके बारे में सो आई वॉन्टेड टू यूज इट और क्वान्टिटी uh, भी काफ़ी अच्छा है यू नो अराउंड फाइव ग्राम और फोर ग्राम इज़ द क्वान्टिटी सो या गुड बाय और अब प्रोडक्ट यूज करने के बाद में कैसा होता है ये मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट चीज़ जो मैंने मंगवाई है वो है ये लोरियाल मैंने लॉरियल का सीरम कभी यूज़ नहीं किया इससे पहले बट आई ऑलवेज़ हर्ट कि लोरियल का सीरम्स काफ़ी अच्छे होते हैं सो लेट्स ट्राई इट और इसका रेट है टू फिफ्टी एंड आई गॉट इट इन टू हंड्रेड बक्स और क्वांटिटी अच्छी है इट्स अराउंड हंड्रेड एम एल क्वान्टिटी इन टू हंड्रेड रुपीज़ सो नॉट अ बैड डील और अगर ये अच्छा काम करता है बालों पर भी देन गुड बाय सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग मतलब अभी तक जो सारी चीज़ें मैंने दिखाई है मैंने एक भी बार ना तो यूज़ की है और ना ही मुझे इनके बारे में पता था मतलब फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग एंड द नेक्स्ट थिंग अगेन ये गुड वाइप्स का वाइटामिन सी सीरम है वाइटामिन सी एंड वाइटामिन बी थ्री स्किन ग्लो सीरम, टेन एम एल है एंड आई गॉट इट इन वन एटी रुपीज़ या और इसका प्रिंट रेट जो है वो है टू ट्वेंटी फाइव ये इसका बोतल का साइज ये कुछ इतना है और साथ में ये ड्रॉपर है लेट्स ट्राई इट होपफुली क्योंकि रिव्यूज़ अच्छे हैं और एक अच्छा ब्रांड है गुड वाइट्स सो लेट्स सी इसके रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं नेक्स्ट मूव टू द दिस गुलाबारी फेस क्लेंज़र ये फेस क्लेंज़र मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ डाबर का आई डोंट नो कब ये लॉन्च हुआ है बट आई ट्राइड इट एंड ये मतलब मैं यूज़ कर लिया है मैंने अभी तक क्वांटिटी थोड़ी कम हो चुकी है और uh, मुझे रिजल्ट्स अच्छे मिले मतलब मुझे नहीं लगा कि कोई बुरा प्रोडक्ट है अच्छा प्रोडक्ट है और uh, इसकी रेट है सेवेंटी फाइव रुपीज़ एंड आई गोट इन सिक्सटी और इसका क्वांटिटी है हंड्रेड एम एल सो सिक्सटी रुपीज़ फोर हंड्रेड एम एल इट्स गुड यस गाइस नेक्स्ट प्रोडक्ट है रागा प्रोफेशनल का डी टेन यानी कि टेन रिमूवल क्रीम और इसकी क्वांटिटी है फाइव हंड्रेड ग्राम और ये मुझे नाइन फाइव मतलब इसका प्रिंट रेट नाइन फ़ाइव है और ये मुझे अच्छे खासे डिस्काउंट में मिला है आ, और ये मैं पहली बार यूज़ करने वाली हूँ मैंने अभी तक सिर्फ नेचर्स का डी टेन यानी कि टेन रिमोल क्रीम यूज़ किया है और पहली बार मैं किसी और टेन रिमोल क्रीम पर आ, स्विच कर रही हूँ और वो है ये अभी तो इसका पैकिंग भी मैंने नहीं खोला है और इसका मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करूंगी बट लेट्स सी इसका रिजल्ट मुझे कैसा मिलता है एंड देन आई लेट यू नो और जो नेक्स्ट है दैट ऑल्सो आई हैव यूज वन टाइम एंड विच इज़ दिस जिलेट विनर स्नैप और काफ़ी खूबसूरत पैकेजिंग में है ये सी हीयर बहुत सुंदर है ट्रैवल फ्रेंडली है और कलर इज़ पिंक सो और काफ़ी हैंडी है क्योंकि साइज़ बहुत छोटा है साथ में ये जो इधर सॉफ्ट इन्फ्यूज़्ड है मतलब यू डोंट हैव टू यूज़ एनी जेल फॉर रिमूविंग योर हेयर यू कैन यूज़ इट डायरेक्टली और इसके साथ में इसमें दो एक्स्ट्रा रेजर भी हैं इसका जो रेट है वो मुझे नहीं ध्यान है बट मैं लिंक सभी का नीचे दे दूँगी तो आप चेक कर सकते हो बट या अगेन आई फाउंड दिस अ वेरी गुड प्रोडक्ट बिकॉज बहुत हैंडी है छोटा सा है और साथ में ये इसका पैकेट है सो दैट्स अ गुड थिंग मतलब इसका जो बॉक्स है यू कैन कीप इट इन योर हैंड बैग ऑल्सो इवन वैन एवर यू आर ट्रैवलिंग सो अ गुड बाय जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये हेयर मास्क है दिस ऑल्सो आई हैव यूज वन टाइम एंड अ गुड प्रोडक्ट फ्रॉम वाव दिज रेड ऑनियन हेयर मास्क सो दिज आई हैव यूज वन टाइम एंड आई फाउंड इट गुड और द गुड थिंग इज कि अमेजोन पे मुझे काफ़ी कम रेट में मिला है अदरवाइज नाइका में आई वॉज गेटिंग इट ऑन सेम रेट जो भी प्रिंट रेट है उसका उसी में मुझे, मुझे मिल रहा था जो कि है फोर फोर्टी नाइन एंड या आई गॉट इट इन टू हंड्रेड रुपीज ऑन अमेजोन माई गॉड ह्यूज डिफ्रेंस सो दिस इज द हेयर मास्क आई हैव यूज इट वन टाइम और मैंने फिर से इसको स्टिक करके रख दिया सो यू कैन यूज इट एट लीस्ट थ्री टू फोर टाइम्स सो इन टू हंड्रेड रुपीज इफ यू कैन यूज अ हेयर मास्क फोर टाइम्स नोट अ बैड बैड डील एट ऑल ओके एंड द नेक्स्ट वन अभी सारी ट्रेवल्स से रिलेटेड चीजें हैं और ये सारी चीजें मैं एक, एक बार यूज कर चुकी हूँ बिकॉज मुझे ट्रैवल करना था और मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत थी सो आई हैव यूज दैम तो आप देख भी सकते हो इनमें फिल किए हुए हैं सारे प्रोडक्ट्स बट इट्स अ ट्रैवल किट वेरी हैंडी एंड वेरी यूज़फुल बिकॉज इसके अंदर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन सेवन बॉटल्स हैं जिसमें मैंने इसमें मॉइस्चराइजर यूज मॉइस्चराइजर यूज़ करने के लिए रखा है सेकंड दिस वन इज़ कंडीशनर शैम्पू एंड दिस वन इज़ एम्पटिया एंड दिस इज क्लेंज़र दैट गुलाब आरी क्लेंज़र और एक में मैंने क्रीम रखा है मॉइस्चराइजिंग क्रीम है छोटी से डिब्बिया में और इन दिस स्क्रब and the next thing the next thing is this pouches which i found very useful for keeping my jewelries and travel because we have to go in a wedding and इनका जो ये आ आउटर साइड है काफी स्टिफ बोल सकते हैं बहुत कड़क है तो ज्वेलरीज़ के लिए स्पेसिफिकली ज्वेलरी रखने के लिए काफी अच्छा है या फिर आप अपने कुछ हेयर एक्सेसरीज या एम्बेलिशमेंट्स भी इसमें रख सकते हो तो साइज uh, भी ये सबसे छोटा वाला पाउच है तो साइज भी नॉट बैड अच्छा खासा साइज है देन द सेकेंड वन देन द थर्ड वन देन द लास्ट वन तो ये चार साइज में पाउच है एंड इन अ वेरी चीप रेट सो आई फाउंड देम वेरी वेरी यूज़फुल तो ये नेक्स्ट चीज़ थी और अब जो लास्ट चीज़ है वो आई पर्सनली लाइक अलॉट वो है ये वैनिटी बैग सर वेरी यूजफुल फॉर कीपिंग ऑल योर स्किन केयर प्रोडक्ट्स टॉयलेट्रीज मेकअप प्रोडक्ट्स बिकॉज इट हैज अंगिंग मतलब आप ट्रेवल कर रहे हो एंड यू वॉन्ट टू कीप इट एज एट इज़ यू कैन हैंग इट एंड यू कैन टेक योर थिंग्स फ्राम यर इट इज अवज स्पेस इन साइड साथ में छोटे छोटे पॉकेट्स हैं देज, देज. ये यहाँ पर भी एक जिप है एक लंबा पाउच साइज जिप यहाँ पर भी है और ये काफी स्पेस है यू कैन कीप एवरीथिंग ऊपर भी एक जिप दिया हुआ है जिसमें अपने टिश्यू पेपर है काजल लाइनर एवरीथिंग यू वांट टू कीप और साइड में भी पॉकेट्स है और नीचे एक स्पेसिफिक वाटर प्रूफ कंपार्टमेंट दिया है वेयर यू कैन कीप टॉवर्स नेपककिस जो भी वेट आइटम्स आपके पास है वो आप रख सकते हो और ये वाटर प्रूफ है तो लीक नहीं होगा सो इट्स अगेन अ गुड बाय और मैंने तो ये यूज़ भी कर लिया है सो आई फाउंड इट वेरी 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 यूज सो so, यह yeah, जो सारे आइटम्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आप अच्छे से उनको जाकर चेक कर सकते हैं और आई रियली होप की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड इफ यू हैवन सब्सक्राइब टू माई चैनल येट प्लीज़ टू सब्सक्राइब इट एंड एल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योर बाय बाय